I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 4 of class 5th, which is the nervous system. In this video, we are going to cover following topic: spinal cord, nerves, and about reflex action, which is from your book page number 46 to page number 47. Let's start with your book page number 46, spinal cord. The spinal cord originates from the medulla and extends almost till the lower end of our backbone. Spinal cord हमारे ब्रेन के जो मडाला वाला पार्ट था वहाँ से एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाती है, लोअर बैकबोन तक, जहाँ तक हमारी बैकबोन होती है ना, वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड होती है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सराउंडेड होती है और प्रोटेक्टेड होती है किसके थ्रू, वर्टेब्रल कॉलम्स के थ्रू। लाइक हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये किससे अटैच्ड है, ब्रेन से अटैच्ड है, और नीचे तक कहाँ जा रही है, लोअर तक जा रही है, लोअर बैकबोन तक, और प्रोटेक्टेड है वर्टेब्रल कॉलम से। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी नर्व्स, ये बहुत सारी नर्व से मिलकर बनी होती है। ऑल इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ the body is transferred with the help of the spinal cord. जितनी भी information होती है हमारे brain और हमारी बाकी की body के बीच में, वो spinal cord ही transfer करती है, एक channel की तरह काम करती है spinal cord हमारा। जो भी messages होंगे मेरे hand से लेकर brain तक, वो spinal cord ही भेजेगी brain तक। It also controls the reflex actions, that is those actions that do not involve the brain. हमारी spinal cord reflex actions भी control करती है। reflex action वो action होते हैं जो हमारा brain control नहीं करता, बल्कि कौन control करता है, spinal cord control करता है। तो ये जो reflex action है वो भी हमारी spinal cord के through ही control किए जाते हैं। आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट नर्व्स। नर्व्स आर द मैसेंजर्स ऑफ आर बॉडी। नर्व्स क्या है, नर्व्स हमारी बॉडी की मैसेंजर हैं, मतलब मैसेज भेजने वाली, ये मैसेज पहुंचाती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन से फिर उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं। अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स that runs through the body carries messages between the brain and rest of the body. Nerves का एक vast network होता है, एक बहुत बड़ा network होता है जो हमारी body, throughout our body और हमारी brain के बीच होता है, ठीक है, जिसके through वो क्या करती हैं, जितने भी messages होती हैं वो carry करती हैं। ये nerves messages carry करती हैं to the particular body part, to the brain. Nerves are made up of nerve cells called neurons. Nerves किससे मिलके बनी होती है, nerve cells से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं neurons, neurons से मिलके बनी होती है। There are three kind of nerves. तीन kind of nerve होती हैं, तो let's discuss one by one ये तीनों type of nerve कौन सी होती हैं। First are sensory nerves. They carry messages from the sense organs to the brain or the spinal cord. पहली होती है हमारी sensory nerves, ये क्या करती हैं, ये message carry करती हैं, कहाँ से carry करती हैं, sense organ से carry करती हैं, और sense organ से ये brain या spinal cord तक पहुँचाती हैं messages को. When the brain interpret these messages,
we are able to see, hear, smell, taste or feel. जब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है इस मैसेज को, तो हम क्या करते हैं, हम या तो वो चीज़ देख सकते हैं, या सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप इस मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपकी आइज़ की जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या कर रही हैं, आपके ब्रेन तक ये मैसेज को पहुँचा रही हैं. ठीक है, तो आप इसी वजह से देख पा रहे हो. आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मोटर नर्व्स. दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द मसल्स और द ग्लैंड्स. अब मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ये ब्रेन्स के जो भी मैसेजेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक और जितने भी अदर बॉडी पार्ट्स तक, जैसे कि हमारी मसल्स या ग्लैंड्स, वहाँ तक पहुँचाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है या मुझे अपना हाथ ऊपर करना है फॉर सम रीज़न, तो मेरा ब्रेन मेरी नर्व्स को पहले देगा मैसेज, ठीक है, फिर उसके थ्रू मैं अपने हैंड को ऊपर उठा पाऊँगा. तो मेरा ब्रेन किसको देगा, मोटर नर्व्स को देगा. आर मसल्स एंड ग्लैंड्स वर्क एज इंस्ट्रक्टेड बाय दीज मैसेजेस. और हमारी मसल्स और हमारी ग्लैंड्स जैसा उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है मैसेज, वैसे ही वर्क करती है. लाइक जैसा ब्रेन मैसेज देगा वैसे ही वो वर्क करेंगे, कि आपको हाथ उठाना है, ब्रेन से मैसेज आएगा तो हैंड ऊपर. आफ्टर दैट हम पढ़ लेते हैं अबाउट मिक्स्ड नर्व्स. दे कैरी मैसेजेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट टू द बॉडी. मिक्स्ड नर्व क्या होती हैं, ये दोनों साइड से मैसेज कैरी करती हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन. ठीक है, मतलब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और अदर पार्ट तक और रिवर्स में भी, तो ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है. सेंसरी नर्व सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचा रही थी, मोटर नर्व ब्रेन से अदर पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचा रही थी, और मिक्स्ड नर्व दोनों काम कर रही थी. I hope you got my point. After that, let's discuss about reflex actions. Some of our actions are not controlled by the brain. हमारी बॉडी के कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो हमारी ब्रेन से कंट्रोल्ड नहीं होते, या जो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर हैंड एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट कंटेनर, यू पुल बैक योर हैंड इमिडिएटली. अगर हम किसी हॉट कंटेनर से अगर हमारा हाथ लग जाता है, तो हम तुरंत अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, इस पर हमारे ब्रेन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता. तो सोचने वाली बात यह है, अगर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता तो इस पर कंट्रोल किसका होता है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग. हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है. व्हेन द कंटेनर इज टच्ड बाय योर हैंड्स, द सेंसरी नर्व्स पास अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट द कंटेनर इज हॉट. ये ऐसे होता है कि जब भी हॉट कंटेनर पर हमारा हाथ लगता है, तो क्या होते हैं, हमारा जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मैसेज कहाँ तक पहुँचाती है, वो मैसेज पहुँचाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, कि कंटेनर कैसा है, कंटेनर हॉट है. दिस मैसेज इज नॉट पास्ड टू द ब्रेन एज इट वुड टेक अ लिटिल मोर टाइम. और ये मैसेज ब्रेन तक पास इसलिए नहीं किया जाता, अगर ये ब्रेन तक पास होगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा ब्रेन तक जाने में और फिर ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आने में, तो इसमें इट विल टेक लिटिल मोर टाइम. इंस्टेड द स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स बैक अ मैसेज टू द हैंड थ्रू द मोटर नर्व्स टू पुल बैक इमिडिएटली. ब्रेन की बजाय स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करती है, हमारी मोटर नर्व्स को मैसेज देती है कि दैट वी शुड पुल आर हैंड इमीडिएटली.
Such an automatic and quick actions of our body is called reflex action. और ऐसे ही automatic और quick actions को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं reflex action. इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, इसमें हमारी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है. स्पाइनल कॉर्ड तक ही मैसेज जा रहा है सेंसरी नर्व्स का, और स्पाइनल कॉर्ड से ही मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आ रहा है वापस कि हमें क्या करना है, हमें हैंड को जल्दी से हटाना है, रिमूव करना है उसे. रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन स्मेलिंग अ प्लीजेंट फूड अरोमा एंड स्नीजिंग व्हेन नोज इज इरिटेटिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. हमारे मुंह में पानी आना, ठीक है, और स्नीज करना, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ऑलराइट, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है. स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज को इंटरप्रेट करती है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ही इंस्ट्रक्शन देती है. सो सच एक्शन दैट इज कंट्रोल्ड बाय आर स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स. एडमिशंस आर ओपन, काइंडली कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन.